सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक जेंडर एंड नेमिंग वर्ड, ऑफ नेमिंग वर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आज हम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के बारे में पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड आप ऑलरेडी, नाउन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैस्कुलाइन होता क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, द वर्ड covers denoting male person or male female The words denoting male person or male animals belong to the masculine group. जो person या animals male से जो है belong करता है उसे masculine gender कहते हैं। For example, grandfather. ये आपके मेल हैं तो ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। टाइगर, प्रिंस, किंग, मैन, बॉय, सर, टाइगर, प्रिंस, किंग, मैन, बॉय, ये आपके मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, द वर्ड्स डिनोटिंग मेल The words denoting female person or female animals belong to the feminine group. जो person या animals female group से जो है belong करता है उसे हम feminine group कहते हैं। For example, grandfather. Grandfather का आपका है, ये आपका masculine था, इसको अगर हम feminine में करें तो आपका क्या हो जाएगा, grandmother. टाइगर, टाइग्रेस, प्रिंसेस, क्वीन, मेन का वुमेन, बॉय गर्ल, ये आपके फेमिनाइन जेंडर हो गए। द वर्ड्स डिनोटिंग मेल पर्सन, जो हमें मेल के बारे में बता रहा होता है या मेल एनिमल्स के बारे में बता रहा होता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रैंडफादर, टाइगर, प्रिंस, किंग, मैन, ये सारे जो है हम बॉय या मतलब कि मेल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। फेमिनाइन जेंडर, जहाँ हम फीमेल के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो चाहे फीमेल पर्सन हो या एनिमल्स हो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। ग्रैंड मदर, टाइग्रेस, प्रिंस, क्वीन, वुमेन, गर्ल्स, ये आपके मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, ये आपके फेमिनाइन जेंडर, सॉरी ये फेमिनाइन जेंडर है, ये मैस्कुलाइन जेंडर है। अब हम देखते हैं ही इज यूज्ड फॉर ओनली मेल ह्यूमन। She is
used for he is used only for male human. जो he होता है वो हम सिर्फ only जो है male के लिए use करते हैं, she हम सिर्फ female के लिए use करते हैं, they. They is used for more than one male for more than one male or female human. एक आदमी मतलब कि एक male से ज़्यादा male हो या female हो उनके लिए हम they का use करते हैं.